वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल 5 टिप्स बताने जा रहा हूँ। ऐसी 5 टिप्स जो आपको आपकी फील्ड ऑफ स्टडी या आपकी जो भी लाइन ऑफ स्टडी है या फिर इन जनरल कोई भी प्रोफेशनल जॉब ढूंढने में बहुत मदद कर सकेंगी। दोस्तों, कॉलेज स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे बच्चों को, इनफैक्ट मुझे भी कॉलेज स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पता थी कि एक जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ड्यूटीज़ क्या होती हैं, और मैंने अपना सारा ट्रस्ट अपने कॉलेज में लगा दिया था। और कॉलेज में जौन सी भी नॉलेज मिलती है, किसी भी कोर्स की, सब्जेक्ट की, इन डेप्थ हो या बेसिक हो, आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि वो आपको नॉलेज जॉब ढूंढने में मदद बिल्कुल नहीं करेगी। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड डिस्कस दिस वेरी 5 सिंपल 5 पॉइंट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एक अच्छे कॉलेज की। अ गुड कॉलेज गोज अ लॉन्ग 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 वे। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को निगेट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, लेकिन आपकी थोड़ी सी भी रिसर्च कि वो कॉलेज कैसा है, उस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस कॉलेज का ग्रेजुएशन रेट कैसा है, उस कॉलेज के एम्प्लॉयमेंट रेट जो है फॉर देयर ग्रेजुएट्स राइट आफ्टर ग्रेजुएटिंग वो कैसा है, उस कॉलेज में फैसिलिटीज़ क्या हैं, रिसोर्सेज क्या हैं, प्रोफेसर्स कैसे हैं, जौन सा भी आप प्रोग्राम चुन रहे हैं उसके पीछे उनकी हिस्ट्री क्या है उस प्रोग्राम की, और कितनी देर से वो प्रोग्राम चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पैक्ट कर सकती हैं आपका डिसीजन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी इन द लॉन्ग टर्म। दोस्तों, मैं आपको फॉर श्योर बता सकता हूँ कि अच्छे कॉलेज से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक महंगा कॉलेज चुने या फिर कोई ऐसा कॉलेज चुने जो बहुत फेमस हो या फिर कोई ऐसा कॉलेज चुने जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा हो। मेरा मतलब है कि एक ऐसा कॉलेज चुने जो जौन सा भी प्रोग्राम आप चुनना चाह रहे हैं उससे वो पूरा फिट हो सके। बहुत सारे कॉलेजेस बहुत सारे प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो उन प्रोग्राम्स को सूट नहीं करते हैं, वो लोकेशन उस प्रोग्राम को, उस कॉलेज को सूट नहीं करती है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल लगती हैं, आपको शायद लग रहा हो कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, लेकिन ऑल यू हैव टू डू इज़ गो ऑन देयर वेबसाइट। आप उनके ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे जाकर आप कॉलेज का नेम टाइप कीजिए और कॉलेज के ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे, वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आप अलग अलग स्ट्रेंजर्स को पूछ सकते हैं कि ये प्रोग्राम इस कॉलेज में कैसा है या कोई और प्रोग्राम कैसा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें इन द एंड मिलकर आपको वो जो फील्ड जॉब से रिलेटेड जो गैप होता है उस गैप को कवर करने में बहुत आपकी मदद करती है। दोस्तों, शायद आप अभी नहीं देख सकते कि एक अच्छे कॉलेज का फील्ड जॉब से रिलेशन क्या है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे इन द बैकग्राउंड फैक्टर्स होते हैं जो आपको वो फील्ड जॉब मिलने में, वो जो गैप होता है उसको कवर करने में बहुत आपकी हेल्प करते हैं। एंड इन फैक्ट आपको उस कॉलेज जौन सी सिटी में लोकेटेड है, जौन से प्रोविंस में लोकेटेड है, जौन सी भी एरिया में लोकेटेड है, उस पर भी लोकल जॉब मार्केट की सर्च करनी चाहिए। आपको बस इतना करना है कि आप अलग अलग जॉब साइट्स पे जाइए, इंडीड है, मॉन्स्टर है, ग्लासडोर है, उन पर जाइए, उनके सर्च बार में आप आपकी जो अनसी भी फील्ड ऑफ स्टडी है, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, आईटी है, उसको टाइप कीजिए और लोकेशन में आप वो कॉलेज जौन सी भी सिटी में लोकेटेड है, जौन से भी एरिया में लोकेटेड है उसको आप टाइप कीजिए और देखिए कि कितनी नंबर ऑफ जॉब्स और कैसी जॉब्स एंट्री लेवल हैं या सीनियर लेवल हैं, मिड लेवल हैं, कैसी जॉब्स आती हैं, वो भी आपको काफ़ी कुछ बता पाएंगी कि वो सिटी में लोकल जॉब मार्केट कैसी है और वो कॉलेज में से आप अगर आप ग्रेजुएट होते हैं तो आपको ग्रेजुएट होने के बाद कितनी अपॉर्चुनिटीज़ राइट अवे अवेलेबल होंगी और कितने डिस्टेंस पे होंगी। तो दोस्तों, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आप अगर सीरियस हैं कि आपको फील्ड जॉब ही चाहिए तो ये चीज़ें आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, इंटरव्यू स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया है बिकॉज इनकी जो ब्रांचेज हैं, डिटेल्स हैं, बहुत ही म्यूचुअल हैं। इनमें बहुत सारे पॉइंट्स आगे ऐसे हैं दोनों ही हेडिंग्स में जो एक दूसरे से बहुत सिमिलर हैं। आपकी वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, आपकी एफिशिएंसी ऑफ कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है एक वर्क प्लेस पे। जब मैंने पहली बार जॉब ढूंढनी शुरू की थी, मैं कॉलेज में ही था, मेरे को कोऑप चाहिए थी, कोऑप इंटर्नशिप होती है, तो मैंने काफ़ी जॉब्स पे अप्लाई किया, काफ़ी इंटरव्यूज़ भी आए, लेकिन वन थिंग आई लर्न फॉर श्योर कि एक आपका कम्युनिकेशन स्किल गोज अ लॉन्ग वे। एंड आई एम सेइंग दैट बिकॉज जब भी आप किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं,
वहाँ आपको एंट्री लेवल जॉब्स के लिए खासकर वो टेक्निकल सेवी क्वेश्चंस नहीं पूछते या टेक्निकल फोकस क्वेश्चन नहीं पूछते, वो आपको आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जानने जाते हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि जब आपको वो हायर कर लेंगे तो क्या आप जो भी आपके पास मैसेज है आप उन्हें कन्वे कर पाएंगे, या उनके पास जो भी मैसेज है वो आप समझ पाएंगे, उनकी कम्युनिकेशन समझ पाएंगे या नहीं, उनके एम्प्लॉयज़ की, उनके जो भी वर्क प्लेस का कल्चर है उसमें आप नॉर्मल फील कर पाएंगे। और कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट एंड द ओनली वे जो आपको एक वर्क प्लेस में अकोमोडेट कर सकती है ड्यूरिंग योर फर्स्ट इनिशियल डेज। दोस्तों, अपनी कम्युनिकेशन पे प्लीज़ काम कीजिए। और कम्युनिकेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि किसी के आइल्स में 8 बैंड आ जाएं, इंग्लिश टेस्ट में 100 मार्क्स आ जाएं। कम्युनिकेशन से मतलब ये है कि जो भी आपके दिमाग में है क्या वो एक अच्छे और सिंपल वे में आप अगले को समझा सकते हैं, और जो भी अगले का रिस्पॉन्स है क्या वो एक सिंपल वे में आप समझ सकते हैं इन एन इफेक्टिव मैनर। मैंने बहुत कम बच्चे ऐसे देखे हैं जिनके क्लास में 100 on 100 A grades आए हों, उनके कम्युनिकेशंस लेवल कम हो और फिर भी उन्हें जॉब मिल गई हो। ज़्यादातर बच्चों को जो भी अपनी फील्ड ऑफ स्टडी में जॉब ढूंढना चाहते थे उनको ही मिली जिनकी फर्स्ट जो स्ट्रेंथ थी वो उनकी कम्युनिकेशन थी, ना कि उनकी नॉलेज विद इन द क्लास। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा मैटर करते हैं नॉलेज से। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, रेज्यूमे। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे एंड इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे रेज्यूमे बिल्डिंग स्किल्स पर ध्यान नहीं देते, और अगर देते भी हैं देन दे थिंक ऑफ इट एज अ वन टाइम थिंग। दोस्तों, मेरे पास भी एक रेज्यूमे मैंने शुरू में बनाया था एंड आई थॉट दिस इज़ इट, इसके बाद मुझे रेज्यूमे कभी नहीं बनाना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, मेरे को 3 साल हो गए हैं जब से मैंने फर्स्ट रेज्यूमे अपना बनाया था, तब से मैं रेज्यूमे को बिल्ड करता ही जा रहा हूँ। एवरी टाइम आई नीड टू फाइंड अ जॉब एंड एवरी टाइम आई नीड टू चेंज माई फील्ड ऑफ जॉब। तो दोस्तों, एक टाइम वाली चीज़ नहीं है। आप जब भी शुरू करेंगे ये मत सोचिएगा कि आप पहली बार में एक अच्छा रेज्यूमे बना लेंगे। इट्स एन एवर बिल्डिंग प्रोसेस। जब तक आपको एक अच्छी जॉब या आपकी मनपसंद की जॉब नहीं मिल जाती, इट्स एन एवर बिल्डिंग प्रोसेस, और ये काम चलता ही रहेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप ऑन द वे सीखते हैं। सो डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ अगर आप पहली बार में रेज्यूमे अच्छा नहीं बना पाए अप टू योर लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस। लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स बता दूँ, कनेडियन रेज्यूमे बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प होता है। यू डू नॉट हैव टू गिव टू मच डिटेल एंड यू डू नॉट हैव टू गिव टू लेस डिटेल। सो आपका बहुत ही क्रिस्प रेज्यूमे होना चाहिए, बहुत ही आपका एक्सपीरियंस पे फोकस होना चाहिए। एजुकेशन इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती जितना आपका एक्सपीरियंस करता है। लेकिन फॉर एंट्री लेवल जॉब्स, क्योंकि आपको आपके पास रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं होता, मेरे पास भी कोई रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं था इंडिया से जो भी मैं आज जॉब कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जो कम्युनिकेशन है वहाँ आपको उस गैप को फिल कर देती है कि आप अच्छे से समझा पाए अपने एम्प्लॉयर को या फिर जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनको कि क्यों आपके पास वो जो एक्सपीरियंस है नहीं है, और वो एक्सपीरियंस को फिल करने के लिए आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, आप कैसे जल्दी सीख सकते हैं, क्विक लर्नर है या नहीं है, और ऐसी चीज़ें कम्युनिकेशन के थ्रू आप फिलअप कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आपको बताऊँ तो, आप कि जो एक्सपीरियंस सेक्शन होता है उसमें जो आप जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखते हैं उनको वेग मत रखिए। उनको एक वर्ड या दो वर्ड या एक फ्रेज या फिर बहुत लंबा सेंटेंस मत बताइए। कोशिश कीजिए उनमें कुछ वैल्यू डालने की। मतलब ये कि मान लीजिए आप किसी मैकेनिक शॉप पे लगे हैं और आप सिर्फ अपने एक्सपीरियंस में उस जॉब एम्प्लॉयर का जॉब टाइटल लिखकर आप नीचे ये लिखते हैं कि आई यूज़ टू फिक्स कार्स, तो उसमें वैल्यू नहीं दिखती है। कोशिश कीजिए उसको एक वैल्यू देने की। मतलब ये कि आप ये लिख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज आप 10 कार इन अ डे फिक्स करते थे, जो कि 70% मोर था फ्रॉम एन अदर एवरेज एम्प्लॉयज़। तो एक वैल्यू नज़र आती है, आपकी एफिशिएंसी नज़र आती है, प्रोडक्टिविटी नज़र आती है उस सेंटेंस में जब आप उसमें थोड़े से नंबर्स और कुछ वैल्यूएबल फ्रेजेस डालते हैं जो कंपेरेबल होते हैं ऑन अ स्टेटिस्टिक लेवल। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। रेज्यूमे बिल्डिंग पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं ऑनलाइन एंड नो वीडियो इज़ राइट और रॉन्ग। हर एक वीडियो का एक अपना पर्पस है। आप
जैसे मैंने पहले बोला बोला था कि एक एवर बिल्डिंग प्रोसेस है, कोशिश कीजिए कि वो वीडियोस देखकर आप वो चीज़ें अपने रेज्यूमे में इन्वॉल्व करें, ताकि आपका रेज्यूमे ऑन बेसिस, रेगुलर बेसिस इम्प्रूव होता जाए और आपको वो जो अच्छी जॉब है वो मिल सके। दोस्तों, काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं जॉब मार्केट में, लेकिन द फर्स्ट थिंग जो आपको एक दूसरे कैंडिडेट से अलग खड़ा कर सकती है, वो आपका रेज्यूमे ही होता है, और आपको वो इंटरव्यू दिला सकता है। और जिसको वो इंटरव्यू मिल गया, उन्होंने तब आपने वहाँ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स ही इंप्लॉय करने होते हैं, वो प्रेजेंट करने होते हैं, और आपको वो जॉब मिल जाएगी। आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उन लोगों के लिए जिन जो बहुत यंग हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है जॉब मार्केट में कैसे जॉब ढूंढें। पहली बार आप एक कॉलेज में आए हैं, आप इंडिया में आपने सिर्फ प्लस टू तक स्कूल किया था, और आप काफ़ी ओवरवेलम हो जाते हैं इस आइडिया से कि जॉब कैसे ढूंढेंगे अपनी फील्ड ऑफ स्टडी में। दोस्तों, को ऑप्स आपको काफ़ी मदद कर सकती हैं। को ऑप इज़ जस्ट लाइक एन इंटर्नशिप। कई कोऑप्स भी पेड या अनपेड हो सकती हैं, इंटर्नशिप्स भी कई पेड अनपेड, डिपेंड करता है, कईयों में स्टाइपेंड भी मिल सकता है, बट दीज आर वेरी सिमिलर थिंग्स। कोऑप्स में क्या होता है कि आप जॉब मार्केट में जाकर जॉब ढूंढ सकते हैं विद वाइल यू आर स्टडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 4 to 12 months, कई कभी कभी 8 months की भी होती है, डिपेंड करता है कॉलेज या प्रोग्राम पे। दोस्तों, मुझे पर्सनली कोऑप्स ने बहुत हेल्प किया था। मेरा 3 साल का प्रोग्राम था जिसमें 3 को-ऑप्स थी, तीनों को-ऑप्स 4 months ईच की थी। तो तीनों को-ऑप्स में क्या हुआ था कि मेरा कॉलेज की एक पर्सनल वेबसाइट थी जहां सिर्फ को-ऑप वाले बच्चे जा सकते थे। उस वेबसाइट पे जाके हमें अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट की जाती थी जो हमारी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड होती थी, और वहाँ हम अप्लाई कर सकते थे। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि मुझे मार्केट में जाके ढूंढना नहीं पड़ता था कि कौन सी जॉब मेरे लिए है, कौन सी जॉब मेरे लिए नहीं है। मेरे कॉलेज ने पहले ही वो काम कर दिया था। वहाँ जाके मैं जॉब अप्लाई कर देता था, अपना रेज्यूमे सबमिट कर देता था, और मुझे वहीं से रिस्पॉन्स आ जाता था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कॉलेज आपको फ्री में जॉब लगवा देता है, लेकिन कॉलेज वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके आगे ले आता है, और आपको बाहर जाकर ढूंढनी नहीं पड़ती हैं, किसी जॉब साइट पे जाकर ढूंढनी नहीं पड़ती हैं। मैं आपको ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं दोस्तों, कि कई कॉलेजेस का कनेक्शन होता है कंपनीज के साथ, अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स के साथ, अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ, कि आप हमारे कॉलेज से मान लीजिए 10 बच्चे कोऑप के लिए चुनेंगे, तो होता ये कि वो इंडस्ट्री या जो भी बिजनेस होता है वो कॉलेज में अपनी जॉब प्रोवाइड करते हैं, जॉब की लिस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, और उस कॉलेज में से मान लीजिए 100 बच्चे अप्लाई करते हैं उसी फील्ड ऑफ स्टडी के, और वो एम्प्लॉयर उसी कॉलेज से उनको 10 बच्चे चुनने ही होते हैं। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि बच्चों को, उस कॉलेज के बच्चों को एक मौका मिल जाता है एक एक्सपीरियंस लेने का, और वो एक्सपीरियंस लेके जब वो कॉलेज में वापस आते हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है आफ्टर ग्रेजुएशन। काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि कोऑप्स वाले प्रोग्राम काफ़ी महंगे पड़ते हैं, लेकिन मेरे पर्सनली एक्सपीरियंस में बताऊं तो कोऑप वाले प्रोग्राम्स महंगे तो पड़ते हैं, लेकिन आपको फील्ड ऑफ स्टडी में आपकी जॉब ढूंढने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, आते हैं लास्ट पॉइंट पे, ये है अप्लाइंग फॉर जॉब्स। सुनने में तो बहुत सिंपल है, आप बोलेंगे कि अगर हमें फील्ड अपनी में जॉब चाहिए तो जॉब तो अप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट टिप है? इंपॉर्टेंट टिप ये है दोस्तों कि आपको परसिस्टेंटली जॉब्स के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। जब आप पिछले 4 पॉइंट्स को आप एनगल्फ कर लेंगे, उनको आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लेंगे, कोशिश कीजिए कि जब आप जॉब अप्लाई करने जाएं तो बी परसिस्टेंट। शुरुआत में काफ़ी मुश्किल हो सकता है, काफ़ी आपको टाइम भी लग सकता है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप वो जॉब्स अप्लाई करते जाएं करते जाएं। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि जब मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करता था, इंडीड पे, ग्लास डोर पे, मॉन्स्टर पे, आई वुड अप्लाई हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स इन माई होल सेमेस्टर, और लेकिन उन सारी जॉब्स में से बहुत कम लोगों का रिप्लाई आता था, और जिनका रिप्लाई आता था उनमें से बहुत कम लोग फॉलो अप करते थे। तो ये जो रेट होता है फ्रॉम योर जिनकी जितनी जॉब्स पे आपने अप्लाई किया है और जितनी जॉब्स आप पर फॉलो अप कर रही हैं वो बहुत कम होता है। तो
तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स पे अप्लाई करें। और अगर आप पहले से ही ज़्यादा जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं और आपको हर जॉब से रिजेक्शन आ रही है या किसी से जवाब नहीं आ रहा, देन यू नीड टू गो बैक टू द वाइट बोर्ड और आपको अपने रेज्यूमे पे काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो रेज्यूमे ही वो चीज़ है जिसके कारण आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है जॉब्स का, और वो रेज्यूमे ही वो रीज़न होगा जिसके कारण आपको वो रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, सिर्फ जॉब साइट्स जैसे इंडीड, ग्लासडोर, मॉन्स्टर ही नहीं, आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक ग्रुप्स में जा सकते हैं जहां आप कनेडियन गवर्नमेंट जॉब्स का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर GTA जॉब मार्केट का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आप देख सकेंगे कि काफ़ी लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है जहां वो लिस्टिंग्स डालते रहते हैं टू हेल्प ईच अदर। आप रेज्यूमे बिल्डिंग का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऐसे ही लिंक्डइन पे जाइए, वहाँ आप उन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं जो आपकी फील्ड ऑफ स्टडी में पहले से ही काम कर रहे हैं। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सोशल मीडिया, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं सोशल मीडिया पे भी। तो ये थी आज की वीडियो गाइज, आई होप यू गाइज लव द वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन और आप प्लीज़ कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कोई भी फीडबैक देना हो वीडियो पे या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। आई होप यू गाइज आर लविंग द वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय।